को जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे सब्बत का प्रभु, और ये देखने को मिलता है हमें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय की 1 आयत से लेकर और 8वीं आयत। यदि आपके पास ही बाइबल है तो हमारे साथ खोल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय की 1 आयत से लेकर 8वीं आयत तक, और इसका शीर्षक रहेगा सब्बत का प्रभु। सबसे पहले हमेशा की तरह हम इसको उर्दू में पढ़ेंगे और इसके तुरंत बाद हिंदी में पढ़ते हुए इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। और उर्दू में इसका शीर्षक रहेगा सब्बत का मालिक। उस वक्त यीशु सब्बत के दिन खेतों में होकर गया और इसके शागिर्दों को भूख लगी और वे बाले तोड़ तोड़ कर खाने लगे। फरीसियों ने यह देखकर उससे कहा, देख तेरे शागिर्द वो काम करते हैं जो सब्बत के दिन करना रवा नहीं। उसने उनसे कहा, क्या तुमने ये नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उसके साथी भूखे थे तो उसने क्या किया? वो क्यूकर खुदा के घर में गया और नजर की रोटियां खाई, जिनको खाना न तो रवा था और न उनके साथियों को, मगर सिर्फ काहिनों को। या तुमने तेरेत में नहीं पढ़ा कि काहिन सब्बत के दिन हैकल में सब्बत की बेहुरमती करते हैं और बेकसूर रहते हैं? मैं तुमसे कहता हूं कि यहाँ वो है जो हैकल से भी बड़ा है, लेकिन अगर तुम इसके मानी जानते, मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूं, तो वो बेकसूरों को कसूरवार न ठहराते, क्योंकि इब्ने आदम शब्द का मालिक है। परमेश्वर का वचन उर्दू में सुने जाने पर परमेश्वर आपको आशीष दे। अब हिंदी में देखते हैं शब्द का प्रभु। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय हम पढ़ रहे हैं 1 से 8वीं आयत तक। उस समय यीशु सब्बत के दिन खेतों में से होकर जा रहा था। उसके चेलों को भूख लगी तो वो बाले तोड़ तोड़ कर खाने लगे। हम देखते हैं कि सब्बत का दिन, एक एग्जाम्पल के लिए हम मान सकते हैं आज के समय में, जैसे संडे का दिन, रविवार का दिन, और तो वही दिन था। और यीशु मसीह कहीं जा रहे थे, रास्ते में फलियां तोड़ तोड़ कर उसके चेले खा रहे थे। फरीसियों ने यह देखकर उसे कहा, देख तेरे चेले वह काम करते हैं जो सब्बत के दिन करना उचित नहीं है। तो फरीसी बोले, यीशु मसीह जी, देख लो, आप तो बड़े ज्ञान बांटते फिर रहे हो, बड़े बड़े प्रचार कर रहे हो और कहते फिर रहे हो कि मैं जो पुराने समय की जो बातें हैं, पुराने नियम की बातें हैं, उनको लोप करने नहीं आया हूँ बल्कि उन्हें पूरा करने आया हूँ, और बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन ये देख ले तेरे चेले हैं, ये आज सब्बत का दिन, संडे के दिन है, वो बाले तोड़ तोड़ के खाने लग रहे हैं, दूसरे ही फसल मत खाने लग रहे हैं, और फसल तोड़ना मना है, तो ये कैसे तोड़ रहे हैं? और न सिर्फ तोड़ रहे हैं बल्कि खा भी रहे हैं। तो तीसरी आयत में यीशु मसीह उनको जवाब देकर कहते हैं, यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि दाऊद ने जब वह उसके साथ ही भूखे थे तो क्या किया? तो यीशु मसीह बोला, तुम मुझे एक बात बताओ, जब दाऊद की घटना तुम्हें याद नहीं है कि जब उसके साथी और वो भूखा था तो उसने क्या किया था? वह कैसे परमेश्वर के घर में गया और भेंट की रोटियां खाई, जिन्हें खाना न तो उसे और न उसके साथियों पर, केवल याजकों को उचित था? तो यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हें याद नहीं क्या, दाऊद ने जब भूखा था तो वो चर्च में गया और चर्च में जाकर उसने और उसके साथियों ने वेदी पर रखी गई रोटियां हैं वो खाई थी, जबकि वह रोटियां वो नहीं खा सकता था और उसके साथी भी नहीं खा सकते थे, वो रोटियां सिर्फ याजक खा सकते थे। तो वो घटना तुम्हें याद क्यों नहीं है? या तुमने व्यवस्था में नहीं पढ़ा कि याजक सब्बत के दिन मंदिर में सब्बत के दिन की विधि को तोड़ने पर भी निर्दोष ठहरते हैं, और इसके अलावा जो विधि है, जो ये सब्बत के दिन के नियम बने हैं, ये बाकी लोगों के लिए बने हैं, याजकों के लिए नहीं बने हैं। यदि याजक है वो संडे की दिन जो ये विधि है, जो ये बनी है सब्बत के दिन, इसको तोड़े तो वो उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होती। तो जब दाऊद और उसके साथियों पर दंड की आज्ञा नहीं होती, और याजक जो चर्च के अंदर रहता है, पास्टर, उसके ऊपर जब ये नियम लागू नहीं होता, तो 6 आयत में यीशु मसीह कहते हैं, और मैं तुमसे कहता हूँ कि यहाँ वह है जो मंदिर से भी बड़ा है, और तुम
यहाँ पर जो तुम्हारे सामने खड़ा है वो न सिर्फ उस वेदी से बल्कि उस पास्टर से जिसके ऊपर की ये नियम लागू नहीं होते, न सिर्फ दाऊद से और न सिर्फ मंदिर जिसमें तुम जाते हो उससे, बल्कि मंदिर से भी बड़ा है। यदि तुम इसका अर्थ जानते, मैं दया नहीं प्रसन्न, मैं दया से प्रसन्न होता हूँ बलिदान से नहीं, तो तुम निर्दोष को दोषी न ठहराते। और इस मसीह भैया शायद तुम इस नियम को नहीं जानते जो परमेश्वर का नियम है, जो मेरा नियम है, कि मैं है वह दया से प्रसन्न होता हूँ बलि से नहीं। तुम यहाँ पर बछड़े काट काट के ना अपने बच्चों को मार काट के यहाँ पर चढ़ाओगे तो मैं उससे खुश नहीं होऊंगा, बल्कि तुम किसी पर दया करोगे, किसी पर रहम करोगे, किसी की जान को बख्शोगे तो मैं उससे प्रसन्न होऊंगा। यदि तुम इस बात को जानते तो किसी निर्दोष को दोषी नहीं ठहराते। मनुष्य का पुत्र तो सब्बत के दिन का भी स्वामी है। क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ और सब्बत का दिन है वो हमारे अंडर, हमारा एक नियम ठहराया गया है कि नहीं, नहीं कि हम उसके अंडर आते हैं। मैं इन चीजों का स्वामी हूँ, मैं मालिक हूँ। तो कहने का मतलब यही है इस बात के द्वारा कि मान लो कोई कंपनी है, कोई ऑफिस है, तो इसके अंदर ऑफिसर जो मालिक होता है, फाउंडर होता है, वो नियम बनाते हैं उस कंपनी के अंदर, वो बाकी कर्मचारी बाकी ऑफिसर्स के लिए बनाते हैं, वो मालिकों के ऊपर वो नियम है वो लागू नहीं होते हैं। किसी कंपनी में नियम बना दिया कि 26 दिन काम करना अनिवार्य है किसी कर्मचारी के लिए, किसी अधिकारी के लिए, लेकिन वहाँ के जो सीए है, जो फाउंडर है, उनके ऊपर वो नियम लागू नहीं होता। वो चाहे हफ्ते में 2 ही दिन आए तो भी उनकी चलेगी, क्योंकि वो उस कंपनी के फाउंडर है, मालिक है। इसी प्रकार से यीशु मसीह और पिता परमेश्वर इस दुनिया के फाउंडर है, इस प्रक्रिया के, इस धरती के हैं वो मालिक है, इसलिए उनके ऊपर सब्बत के दिन के ये जो बातें हैं वो लागू नहीं होती। और जब यीशु मसीह स्वयं जा रहा है, स्वयं परमेश्वर जा रहा है, तो उसके चेले हैं वही किस्सा जाता है, जब दूल्हा साथ है तो बराती भूखे कैसे रह सकते हैं। आज के इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे, सबको जय मसीह की जय।